Yummy, so delicious. Wow. नमस्कार, मैं हूँ अभिलाषा और स्वागत करती हूँ आप सभी का अभिलाषा किचन क्वीन चैनल पे। तो आज मैं बताने जा रही हूँ आपको अपनी सीक्रेट और नई रेसिपी, बहुत ही स्वादिष्ट पंजाबी एग मसाला करी रेस्टोरेंट स्टाइल कैसे बनते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ, बहुत ही कम समय और बहुत ही आसानी से, बहुत स्वादिष्ट, रेस्टोरेंट से भी अच्छा एक मसाला करी पंजाबी कैसे बनते हैं। तो चलिए मेरे साथ अभिलाषा किचन। तो चलिए मेरे साथ इस तरह का पंजाबी एग मसाला करी बनाने के लिए सीक्रेट रेसिपी के साथ मैं बताऊंगी आपको कि कैसे एग मसाला करी पंजाबी स्टाइल में बनते हैं। रेस्टोरेंट से भी बहुत अच्छा, बहुत ही स्वादिष्ट और कम समय में बन जाते हैं। बड़े बच्चे सभी उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे इस तरह के एग मसाला करी पंजाबी स्टाइल में। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनेंगे एग मसाला करी पंजाबी स्टाइल में, रेस्टोरेंट से भी अच्छा और कम समय में। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझसे किसी भी रेसिपी के बारे में पूछ सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ मैं आपको बताती हूँ, मेरे वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा, अगर स्किप कर देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा मेरा सीक्रेट टिप्स इसमें क्या है। मैंने 7 बॉयल अंडे लिए हैं। तो पंजाबी एक मसाला करी के लिए मैंने लिया है 7 अंडे। इसमें थोड़ा सा मैंने हल्दी डाल पाउडर डाला है, थोड़ा सा मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक एकदम थोड़ा थोड़ा सा डाला है मैंने। अब इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच के लगभग तेल, देख रहे हैं, इसे अच्छे से मिला लूँगी। तो मैंने अच्छे से मिला लिया है मसालों को। अब मैंने एक पैन ले लिया है, गैस पर चढ़ा दिया, गैस ऑन कर दिया है। अब मैं मेरा पैन गर्म हो चुका है तो मैं इसमें डालूँगी 3 चम्मच के लगभग तेल। तेल गर्म होने दूंगी, तब तक मैंने यहाँ पे लिया है कुछ सूखे मसाले। यहाँ पे खड़े मसाले, सूखे खड़े मसाले हैं। मैंने 2 चम्मच धनिया लिया है, 1 चम्मच मैंने सौंफ लिया है, 3 मैंने लाल मिर्च लिया है, 3 लौंग लिया है मैंने, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और कुछ मैंने लिए हैं दालचीनी, कुछ दाने मैंने लिए हैं गोल मिर्च के और 1 चम्मच मैंने लिया है जीरा। इन सब के लिए मैंने एक पैन ले लिया है, दूसरे साइड गैस पर चढ़ा दिया है। इन सबको मैं हल्का रोस्ट कर लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी तो जल जाएंगे, हल्का मैं करूँगी। तो हल्का देख रहे हैं मैं चलाते हुए लगातार, गैस को मैं लो टू मीडियम फ्लेम पर रखूँगी और भून रही हूँ मैं इसे। इधर मेरा तेल गर्म हो चुका है, देख रहे हैं, तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी अंडा, मैं फ्राई कर लूँगी, देख रहे हैं। तो मैंने सभी अंडों को डाल दिया है। अंडों को डालने से पहले मैंने सभी को बीच से कट कर दिया था चाकू की सहायता से, 4-5 चीरा लगा दिया था मैंने ताकि ये फटे नहीं, अच्छे से फ्राई हो जाए मेरे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, मसाला डाल दिया है। तो अब इधर मैंने जो मसाले रोस्ट के लिए चढ़ाए थे वो हो चुके हैं मेरे हल्का लाल। मैं गैस बंद कर दूंगी और इसे ठंडा होने दूंगी। तो अंडे को पलटते हुए मैं पका लूंगी तो अच्छे से लाल नहीं हो जाते चारों तरफ से। तब तक मैं आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ आपको। मैंने यहाँ पे प्याज लिए हैं 3 मीडियम साइज के, से रफली चॉप कर लिया है। 4 मैंने हरी मिर्च लिया है, ये तीखा नहीं है इसलिए 4 लिया मैंने। यहाँ पे अदरक 1/2 इंच ले लिया है और यहाँ पे कुछ कलियाँ मैंने लहसुन के लिए। इन सबको मैं मिक्सी ग्राइंडर में डालकर पेस्ट बना लूँगी, देख रहे हैं, सभी को इसमें डाल दूँगी और इसका पेस्ट बना लूँगी अच्छे से। मेरा एक फ्राई हो चुका है, अब इन सभी को निकाल लूँगी एक बर्तन में अच्छे से। देखिए मैंने अंडे को निकाल लिया है। अब मैं उसी पैन में तेल बचा हुआ उसमें जीरा डाल दूंगी, जीरा चटकने दूंगी। जीरा मेरा चटक चुका है, मैं इसमें ऐड करूंगी करी पत्ता, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते, मुझे बहुत पसंद है इसका फ्लेवर इसलिए मैं डाल रही हूँ। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो मैंने प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार किया था मिर्च का, वो डाल दूंगी।
तो मैंने प्याज डाल दिया, ऐसे मैं भुना लूँगी और अच्छे से भूनूंगी। जब तक कि प्याज अच्छे से भून नहीं जाता, तेल नहीं छोड़ देता, तब तक मैं प्याज को भूनूंगी। गैस को लो टू मीडियम फ्लेम पर रखूंगी। मैंने अंडा का सीक्रेट बताया था कि बहुत ही आसान तरीके से जल्दी बनाने का, तो इसका एक इसका सीक्रेट ये है कि मैंने इसे कुकर में उबाला है। कुकर में बहुत जल्दी 4 से 5 मिनट के अंदर अंडे उबल कर तैयार हो जाते हैं। तो मैंने ये विधि आपको पिछले वीडियो में डाली हुई है अपनी, आप मेरे लिंक पर जाके देख सकते हैं कि अंडा कुकर में कैसे उबाला जाता है 5 मिनट के अंदर। तो जब तक प्याज भुना रहा है तब तक मैं सूखे मसाले जो मैंने रोस्ट किए थे ठंडा हो चुका है, इसे पीस मिक्सी ग्राइंडर कर लेती हूँ। देखिए मेरा प्याज अच्छे से भुना रहा है, बीच में मैं चलाती रह रही हूँ ताकि बर्तन में ये सटे नहीं और जले नहीं। देखिए मेरा प्याज अच्छे से भून चुका है अच्छे से। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये तीखा नहीं होता है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है, तो मैंने डाला है। इसे अच्छे से मिला दूँगी और साथ ही मैं डाल दूँगी 1/2 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर, इसे भी मैं अच्छे से मिला दूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक, 1 चम्मच के लगभग मैंने नमक डाला है, आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन सबको मैं अच्छे से मिला दूँगी और मिलाने के बाद मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज के टमाटर की प्यूरी बना के रखा था, उसे मैं मिला दूँगी। सभी को अच्छे से मिलाकर चला दूँगी। टमाटर को 2-3 मिनट तक मैं भूनूँगी। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है मेरे मसालों में। मैंने इसमें नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला है क्योंकि मैंने खड़ा लाल मिर्च का पाउडर बनाया है, 3 लाल मिर्च था। अगर आपको तीखा ज़्यादा ना पसंद हो तो आप मिर्च 1 कर सकते हैं, अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं। देखिए टमाटर मेरा 2-3 मिनट हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी बाकी सूखी मसाले जिसे मैंने रोस्ट करके मिक्सी ग्राइंडर किया था। तो देखिए कितने अच्छे से मैंने मसालों को पीस लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी, करके मैं अच्छे से मिला लूँगी। सभी मसालों को मैंने अच्छे से मिला दिया है, देख रहे हैं। इसे ज़्यादा देर नहीं भूनना है क्योंकि मसाला मैं रोस्ट किया हुआ था ये मसाला, तो इसे मैं 2 से 3 मिनट तक भूनूंगी। ये मेरा एक सीक्रेट था कि मसाला रोस्ट कर देने से फिर ज़्यादा देर तक नहीं भूनना पड़ता है मसालों को। तो 3 मिनट हो चुका है, मैं मसाला अच्छे से भून चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी, पानी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी जरूरत हो आपको कम पानी चाहिए कम डालें। मैंने इसमें 2 कटोरी के लगभग मैं डालूँगी, मुझे ग्रेवी वाली पसंद है तो मैं इसमें 2 कटोरी डाल रही हूँ। इनको अच्छे से मिला लूँगी। मैंने पानी मिलाकर गैस को हाई फ्लेम पे कर दिया है। मैं इस ग्रेवी में एक उबाल आने दूंगी, फिर मैं इसमें अंडे डाल दूंगी। देख के लग रहा है ना बिल्कुल पंजाबी स्टाइल एक करी, बहुत ही स्वादिष्ट, देखने में खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। ये मैं मसालों में अच्छे से उबाल आ चुका है, अब मैं इसमें अंडे डाल दूंगी जो मैंने रोस्ट करके रखे थे, इसे मिला दूंगी और 1 से 2 मिनट तक मैं इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर रखूँगी ताकि मेरे मसाले अच्छे से अंडे में मिल जाए। उसके बाद मैं गैस बंद कर दूँगी। तो 2 मिनट हो गया है, अब मैं गैस को बंद कर दूँगी और चलिए मैं सर्व करती हूँ इसे। तो देखिए कितना अच्छा मेरा एग करी बनकर तैयार हो गया, पंजाबी एग मसाला करी, बहुत ही कम समय में, बहुत ही स्वादिष्ट। मेरे कुछ सीक्रेट इसमें है रेसिपी जिसके कारण जल्दी और स्वादिष्ट और रेस्टोरेंट से भी अच्छा बनकर तैयार हुआ है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। बच्चे बड़े सभी मांग मांग कर खाएंगे इस तरह से एक करी आप बनाकर, एक मसाला करी देंगे तो पंजाबी स्टाइल। तो आप सभी का मेरे चैनल अभिलाषा किचन क्वीन पर विजिट करने के लिए धन्यवाद।